जनपद बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र में बड़े ही शांति से हुआ मूर्ति विसर्जन। बुधवार को बौंडी थाना क्षेत्र के खैरा बाजार, जैतापुर, नंदनवन, अम्बा, बौंडी, सराय अली, जैतापुर, गांजोली, डोगरी, सलेमपुर, बेरिया आदि गाँव से शांतिपूर्ण ढंग से मूर्ति विसर्जन जुलूस निकला और मूर्ति विसर्जित की गई। गत वर्ष खैरा बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल को देखते हुए इस बार प्रशासन ने खैरा बाजार में 4-54 व्यवस्था की थी। SDM मैसी, SN त्रिपाठी, CO मैसी शंकर प्रसाद, SO बॉडी ब्रह्मानंद सिंह, इंस्पेक्टर देहात कोतवाली नवीन कुमार मिश्र, भारी पुलिस बलों, PSC के जवानों के साथ खैरा बाजार में डटे रहे। मूर्ति विसर्जन से पहले खैरा बाजार में सन्नाटा था और सन्नाटे को पुलिस के जवानों और PSC के जवानों की बूटों की धमक सुन रही थी। खैरा बाजार प्रत्येक मकानों के ऊपर पुलिस के जवान मुस्तैद थे। हर जगह चौक चौराहों पर CC कैमरे लगे थे। भड़काऊ गीतों पर प्रतिबंध ज्ञात रहे कि गत वर्ष खैरा बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल में हिंसा इस कदर बढ़ गई थी कि थाने पर तैनात SO CO व SP को शासन ने हटा दिया था। SO बॉडी ब्रह्मानंद सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के समस्त 19 मूर्तियां शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जित की गई। आपको बताते चले कि बहराइच के ऐतिहासिक राजा मोडी में कई वर्षों से रामलीला व मूर्ति विसर्जन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान बौंडी के ग्रामवासी अपने माध्यम से मिलकर बौंडी के नीम चौराहे पर लंगर लगाते हैं, जिस पर मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों को हलवे का प्रसाद खिलाकर मूर्ति को विसर्जन करवाते हैं। बौंडी की ऐतिहासिक जन्मभूमि हमेशा श्री श्री माता रानी व भगवान श्री राम के चरणों में लीन रहती है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजा बौंडी में बहुत ही शांति पूर्वक मूर्ति विसर्जन किया गया। भैया आपका क्या नाम है और जो ऐतिहासिक राजा बौंडी आपका गांव है, यहां पर कई वर्षों से देखा जा रहा है रामलीला भी होता है और यहां से होकर घाट पर मूर्तियां भी कई जगहों की स्थापित की जाती हैं जो विसर्जन के लिए जाती हैं, क्या है? मेरा नाम सोनू रस्तोगी है, राजा बौंडी का निवासी हूँ। यहाँ हमारे घाट पर 3 मूर्तियाँ आती है, गुंजौली कला, तारापुरवा, राजा रेहुआ। इसमें काफ़ी श्रद्धालु भी रहते हैं और यहाँ पे बौंडी बाजार में नीम चौराहे पे उनका प्रसाद वितरण भी किया जाता है ग्रामवासियों के सहयोग से। आचार्य जी आपका नाम क्या है और ये जो बौंडी में ऐतिहासिक जमाने से चला आ रहा है कि यहाँ मूर्ति विसर्जित होती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ तक मूर्तियाँ विसर्जन के लिए जा रही हैं? मेरा नाम अरविंद कुमार है और यही सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती का विद्यालय है, वहीं प्रधानाचार्य का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। मैं लगभग 20 वर्षों से यहाँ देख रहा हूँ कि नव दुर्गा पूजा की जो मूर्तियाँ हैं गुंजौली कला होते हुए और राजा रहुआ की है, इधर तारापुरवा की मूर्तियाँ हैं, ये बड़े ही धूम धाम से निकलती हैं। बौंडी ग्रामवासी माता का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज भी बड़े ही शांतिपूर्वक अपने यहाँ दुर्गा माता की मूर्तियाँ विसर्जित होने को गई हैं। बौंडी घाट पे इनको विसर्जन होना है और तमाम श्रद्धालु के साथ में है। हम लोगों को बड़ा इसमें आत्मसंतोष मिला है और बड़ा आनंद मिला है। अपने संतोष कुमार गुप्ता जी हैं, श्री रमेश कुमार तिवारी जी हैं, सोनू रस्तोगी जी हैं, इन सब लोगों का, अपने श्री दिनेश कुमार तिवारी जी हैं, इनका बहुत बहुत सहयोग रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, आपका क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं और ये जो मूर्ति विसर्जन को आती हैं आपके ऐतिहासिक राजा बौंडी से होकर गुजरती हैं, क्या है पूरा इसका जानकारी? मेरा नाम रमेश तिवारी है, मैं यही राजा बौंडी का रहने वाला हूँ। कई वर्षों से गुंजौली, तारापुर की और इस बार राजा रेहुआ की भी मूर्ति आती है विसर्जन के लिए और उनके साथ जितने भक्तगण रहते हैं उनको जलपान की व्यवस्था हम ग्रामवासी मिल करके करते हैं और यहाँ बौड़ी घाट पे सारी मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं और जो यहाँ ऐतिहासिक राजा बौंडी में हर जगह की मूर्तियाँ होकर बौंडी घाट पर विसर्जित होती हैं, क्या है पूरा इतिहास? मेरा नाम दिनेश कुमार तिवारी है, राजा बौंडी का रहने वाला हूँ। पहले हमारे यहाँ 2 मूर्तियाँ आती थी, जो यहाँ गुजौली और तारापुर की, मगर इस वर्ष जो है पिछले वर्ष के बाद एक मूर्ति और बढ़ा दी गई है, रेहुआ से नई मूर्ति आई हुई है। इसमें हम लोग यहाँ रोक करके सभी लोगों को प्रसाद वितरण कराते हैं एवं माता जी की आरती करके फिर आगे हम लोग गुजरते हैं।